प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार। आज हम कुक्कुट पालन की प्रणालियों के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी लेने हेतु और व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने हेतु कुक्कुट फार्म पर उपस्थित हैं। कुक्कुट फार्म की जो प्रणालियां हैं वो पूर्व में भी चर्चा हमारे द्वारा की गई है। विभिन्न प्रकार की प्रणालियाँ होती हैं जिसको हम चर्चा करेंगे। यहाँ जो फार्म पर जो कुक्कुट पाले गए हैं वो सघन प्रणाली के रूप में कुक्कुट पालन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कुक्कुट पालन की प्रणालियों के विषय में जब हम बात करते हैं तो कुक्कुट पालन की प्रणालियाँ तीन प्रकार की होती हैं, या कुक्कुट को, या यूँ कहें कि कुक्कुट को जो पालने का जो हमारा एक प्रणाली है या तरीका है वो तीन प्रकार से कुक्कुट पाले जाते हैं। पहला होता है कुक्कुट पालन जो है वो हमारा एक खुले वातावरण में पालना, या ग्रामीण क्षेत्र में खुली कुक्कुट रखी जाती है, फ्री रेंज जिसको हम कहते हैं, तथा खुले में रख करके उसका जो जब हमें उसके उसका जो प्रोडक्ट है, उसका उत्पाद है, जब उसकी आवश्यकता होती है तो हम उससे उत्पाद प्राप्त करते हैं। अन्यथा की दशा में कुक्कुट हमारा खुला घूमता है, जैसे पूर्व में चर्चा में इस पर बात की जा चुकी है। इसके बाद जो दूसरी होती है वो सेमी इंटेंसिव जिसको हम कहते हैं, या कई बार सेमी एक्सटेंसिव भी इसको कहा जाता है, यानी कि अर्ध सघन या अर्ध जो है खुला जो है वो कुक्कुट फार्म होता है। उसमें जो है रात को मुख्य रूप से बाड़े में या उसके जो प्रोटेक्शन के लिए, उसके रखरखाव के लिए और उसका जो सुरक्षा है उसका इंतजाम जो हमारा कुक्कुट पालक है उसके द्वारा किया जाता है। और जो दिन के समय कुक्कुट को खुला छोड़ा जाता है, इसमें हमारे जो खाने पीने की जो व्यवस्था है, कुक्कुट के दाने की व्यवस्था है, वो मुख्य रूप से या तो कुक्कुट विचरण करके अपना जो कीट इत्यादि और खुले में जो स्क्रैचिंग करके ज़मीन से खोद करके निकाल करके वो खाती हैं, और जो किचन का वेस्ट होता है, जो हमारा जो रसोई घर का जो बचा खुचा जो खाना होता है उसके माध्यम से हमारा जो इसका भोजन की व्यवस्था है वो की जाती है, और किसी प्रकार का बहुत विशेष इस पर खर्चा नहीं किया जाता है। एक्सटेंसिव प्रणाली जो हमने अभी पूर्व में चर्चा की थी उसमें किसी प्रकार का दवाई और वैक्सीनेशन इत्यादि भी नहीं किया जाता है, टीकाकरण रोगों से बचाव के लिए या किसी प्रकार की दवा इत्यादि का भी कोई प्रयोग नहीं किया जाता है। परंतु सेमी इंटेंसिव जिसकी हम बात कर रहे हैं, अर्ध सघन प्रणाली, इसमें रोगों से बचाव के लिए हम टीकाकरण और जो हमारा कुछ दवाइयाँ हैं वो हम इसमें देते हैं। तो शिक्षार्थियों, आज हम उपस्थित हैं एक सघन कुक्कुट पालन के एक प्रणाली का जो हमारा एक नमूना तौर पर एक फार्म है उसमें हम उपस्थित हैं। तो ये हमारे जो मुर्गियां हैं, जो हमारी लेयर बर्ड्स हैं, अंडे देने वाली जो मुर्गियां हैं, वो केज सिस्टम में यहां पर रखी गई हैं और बहुत ही सुसज्जित तरीके से, तकनीकी रूप से और वैज्ञानिक तरीके से यहां पर मुर्गियों का पालन किया जा रहा है। और अंडे देने वाली जो मुर्गियाँ हैं इनका रख रखाव बहुत ही अच्छे तरीके से केज सिस्टम में सघन प्रणाली के माध्यम से होता है। जैसा कि हमने पूर्व में बात करी, एक्सटेंसिव जो हमारा खुले में रखी जाती हैं, उसके बाद सेमी इंटेंसिव और इंटेंसिव। तो सघन वाला इंटेंसिव सिस्टम है उसका केज सिस्टम हम आज यहाँ पर व्यवहारिक रूप से देख पा रहे हैं। इसमें मुर्गियाँ जो है उसका एक जो केज है उसमें लगभग तीन मुर्गियाँ या अधिकतम चार मुर्गियाँ उसमें रखी जाती हैं, और इसमें जो व्यवस्था होती है फीडरर और वाटर की व्यवस्था, जो पानी के लिए जो बर्तन रखा जाता है, यदि उसमें जो है पानी यहाँ पर ऑटोमेटिक सिस्टम ऑटोमेशन के हिसाब से फाउंटेन जो है लगे होते हैं जिसमें पानी का सप्लाई होती है। साथ ही साथ जो फीडर है वो लीनियर फीडर इसमें रखा होता है, लीनियर फीडर रहता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा लेयर अवस्था में जो पक्षी आता है, तो हम जब हम उसका हाउसिंग का पार्ट पढ़ेंगे तो हम इसमें जानेंगे कि उसके लिए लगभग 2 स्क्वायर फीट जो हमारा उसको जगह होती है उसकी चाहिए होती है उसके रखने के लिए। ये सघन विधि जो है ये दो प्रकार से होती है। एक होता है डीप लिटर, यानी कि जो हम गहरी बिछावन पर जो हम मुर्गी को पालते हैं, ये मुख्य रूप से ब्रॉयलर जो हमारा होता है जिसको हम कहते हैं मांस वाले जो मुर्गियां होती हैं उनको हम डीप लिटर प्रणाली पर या गहरी बिछावन पर पालते हैं। लगभग 2 इंच से लेकर के 5 इंच तक हम इसमें गहरी बिछावन जो है वो बिछाई जाती है, जो मुख्य रूप से चावल की भूसी, राइस हस्क, लकड़ी का बुरादा इत्यादि की बनी होती है। इसमें बहुत सारे इसके जो है वो लाभ और नुकसान दोनों तरह के होते हैं। लाभ की जो बात है वो यह है कि इसमें कुछ विटामिन्स होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B1, B2, B12 इत्यादि, वो हमें इस चावल की भूसी से मिल जाते हैं, तथा काफ़ी हद तक जो हमारी मुर्गी है उसको स्वतंत्र रूप से विचरण करने का मौका भी इसमें मिलता है। तो उसके वेलफेयर या उसकी जब हम बात करते हैं जो हमारा उसका जो वेलफेयर है मुर्गी का, वो भी इसमें हो पाता है।
तो इसमें जो है पशु घूम सकता है, विटामिन्स मिलते हैं, विचरण का समय मिलता है। तो मुख्य रूप से जो डीप लीटर प्रणाली है वो ब्रॉयलर जो हमारे पक्षी हैं, मांस वाले जो पक्षी हैं, मांस उत्पादन वाले जो पक्षी हैं, उसके लिए सबसे बेहतर प्रणाली मानी जाती है। क्योंकि इसमें जो यदि हम उसको केज में पालते हैं, मांस वाले पक्षियों को यदि केज में पाला जाता है, तो उसकी जो ग्रोथ है, उसका वजन है, वो कंपेरेटिवली तुलनात्मक रूप से कम आता है। और साथ ही साथ उसका जो ब्रेस्ट वाला रीजन है, उसका जो हमारा जिस पर हम कहते हैं कि जो हमारा जो उसकी जो ब्रेस्ट है, नीचे का जो एरिया है, उस पर केज से बार बार उस पर लगने से ब्लिस्टर्स इत्यादि की समस्या भी बनी रहती है। तो ब्रॉयलर पक्षियों के लिए जो डीप लीटर प्रणाली है, गहरी बिछावन वाली, वो बहुत अच्छी होती है। और साथ ही साथ जो अंडे वाली मुर्गियाँ हैं, उसका जो ब्रूडिंग स्टेज होती है, ब्रूडिंग स्टेज जिसको हम कहते हैं 0 से 2 मंथ तक की जो है वो हम ब्रूडिंग स्टेज में लेते हैं, उसके लिए भी ये प्रणाली अच्छी मानी गई है। इसके पश्चात जब ग्रोवर और लेयर की स्टेज में आती है, यानी कि ग्रोवर 2 मंथ से लेकर के 5 महीने तक का जो समय है, जिसको हम ग्रोवर पक्षी कहते हैं, उसमें हम मुर्गी अंडे नहीं देती है, परंतु जो उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो उसके जननांग हैं, उसकी डेवलपमेंट, उसका विकास होता है, वो इस अवस्था में पशु जो पक्षी है उसको हम पिंजरे में पालना बेहतर माना जाता है। और साथ ही साथ जो हमारी लेयर वाली जो बर्ड्स हैं, जो मुख्य रूप से अंडे देने वाली मुर्गियां हैं, उनको हम केज सिस्टम में यदि पालते हैं, तो हमारा जो फार्म है उसकी जो इकोनॉमी है, उसकी आर्थिक जो हमारी जो उसकी मदद है, आर्थिक उसकी जो हमारा आर्थिकी है, वो अधिक मिल पाती है यदि हम केज वाले सिस्टम में पालते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो केज हैं, अगर हम इसको देखेंगे तो ये केज लगातार लाइन में लगे हुए हैं, और एक केज में जो हमारा एक पिंजरा है उसके अंदर लगभग 3 से 4 मुर्गियों को रखा गया है। इस 4 मुर्गियों के सामने फीडर की व्यवस्था है, यानी कि जो हमारा दाने देने का जो बर्तन है या दाने देने का एक फीडर है, वो इसमें लगा हुआ है, और इसमें सभी पक्षी अपनी सुविधा के हिसाब से एड लिमिटम जो है वो खाना ले सकते हैं। एड लिमिटम का मतलब है पेट भर भर पेट खाना उसमें जो है, या दाना जो है वो ले सकते हैं। और पानी की व्यवस्था हम देख पा रहे हैं, ऊपर फाउंटेन लगी है, और फाउंटेन के माध्यम से जो पक्षी है वो अपनी सुविधा के हिसाब से पानी ले पाता है। और जब हम देखते हैं तो केज का जो ढलान है वो इस प्रकार से बना होता है कि आगे तरफ उसका झुकाव हो, और अंडा जो मुर्गी दे तो अंडा जो है, यहाँ जो स्पेस बना हुआ है केज में, जो स्थान हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पर अंडे इकट्ठे हो जाते हैं, तो बहुत आसानी होती है कि अंडा हम उसमें कलेक्ट कर पाएँ। अंडे का जो संग्रहण है वो बहुत आसान हो जाता है इस केज प्रणाली में, एज कम्पेयर टू जो हमारा डीप लीटर सिस्टम है। यदि हम उसमें अंडे का कलेक्शन करते हैं तो उसमें कई बार अंडे को, यदि किसी मुर्गी में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, कई बार मुर्गी के अंदर में कुछ जो हमारे पोषक तत्व है उसकी कमी हो जाती है, तो वो मुर्गी अंडे को तोड़ भी सकती है। तो यहाँ पर ये व्यवस्था रहती है कि वो अंडा यहाँ पर कलेक्ट कर सके, और अंडे जो है यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तो अंडे का जो कलेक्शन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, अंडे का कलेक्शन एक केज लीटर जो सिस्टम है, इंटेंसिव सिस्टम में, जो केज सिस्टम है उसमें बहुत आसान हो जाता है, चूँकि जो ढलान है केज का वो आगे की तरफ रहता है, उसका झुकाव आगे की ओर रहता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अंडे इस प्रकार से, जो मुर्गी अंडा देती है वो अपने आप सरक करके नीचे की तरफ आ जाता है, तो अंडों का जो टूट फूट है वो काफ़ी हद तक इसमें बच जाती है। कई बार जो मुर्गी है वो इस प्रकार से अंडे को तोड़ भी देती है, यदि अंडे में, यदि मुर्गी के में कुछ जो पोषक तत्व हैं उसकी कमी हो, या ख़ासतौर से जो मुर्गियों का जो स्पेस है, फ्लोर स्पेस जिसको हम कहते हैं, वो यदि कम हो जाए तो वो आपस में उसमें वाइसेस डेवलप हो जाती हैं, एक गंदी आदतें मुर्गियां ले लेती हैं और अंडे को चोंच से फोड़ने का वो कार्य करती हैं, जिसके फिर रोकथाम के लिए जो मुर्गी है उसकी डीबिकिंग की प्रक्रिया या चोंच काटने की प्रक्रिया वो की जाती है, जिसके विषय में हम अलग से पढ़ेंगे, अलग से हम चर्चा करेंगे। इसमें जो एक बहुत अच्छी व्यवस्था है केज सिस्टम में, वो आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे कि जो हमारा मुर्गी है उसकी जो बीट है, ख़ासतौर से जो उसकी जो फीकल मैटर है, उसकी जो बीट है वो हमारा नीचे की ओर स्वतः ही चली जाती हैं, उसमें गिर जाती हैं, और इससे क्या होता है कि जो कलेक्शन है मुर्गी के, जो मैन्योर का जो हमारा बीट कर रही हैं, उस पर होने वाला जो हमारा लेबर का जो खर्चा है, व्यय है, वो हमारा बच जाता है, और हम अधिक मात्रा में इसका उपयोग कर सकते हैं जो हमारा मैन्योर है पोल्ट्री मैन्योर को बनाने के लिए। तो एक जो हमारा इकोनॉमी है फार्म की, वो बहुत हद तक इसमें इम्प्रूव हो जाती है, जो फार्म की इकोनॉमी है वो बढ़ जाती है। तो केज सिस्टम के जो लाभ हैं वो हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि जो हमारा केज सिस्टम की जो जो हमारा फ्लोर स्पेस है, फ्लोर स्पेस यदि हम डीप लीटर में हम मुर्गी को रखते हैं, तो हमें लगभग
दो स्क्वायर जो फिट है उसका हमें स्पेस चाहिए होता है, जो कि यहाँ पर घट करके लगभग जो है पौने दो स्क्वायर फिट का स्पेस यहाँ पर चाहिए होता है। तो ये हमारा स्पेस घटने के साथ साथ हमारा जो लेंथ है मुर्गी फार्म की वो बढ़ सकती है, मुर्गियों कम जगह में हम अधिक मुर्गियों को रख सकते हैं। दूसरा जो फ़ायदा है वो यह है कि जो हमारा ब्रॉयलर फार्म को हम जब पालते हैं, जो डीप लिटर सिस्टम पे जब ब्रूडिंग में करते हैं और उसी में यदि हम लेयर फार्म पालते हैं, मुर्गियों का स्टार्ट हम उसी में कर देते हैं पालना, तो कई बार हमें जो मुर्गियाँ हैं वो ब्रूडिंग की समस्या उसमें ले लेती हैं। ब्रूडिंग का मतलब होता है कि वो अंडे को सेने की उसमें आदतें पड़ जाती है, तो जो ब्रूडर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि अंडा जो है उत्पादक कम होते हैं एज कम्पेयर टू, या यदि हम तुलनात्मक रूप से हम बात करें जो नॉन ब्रूडिंग हैंस हैं, तो जो मुर्गियां चूंकि स्वतः ही जो प्राकृतिक रूप से उसमें ब्रूडिंग की एक व्यवस्था होती है वो अंडे को सेती है, तो अंडे को जो सेने की प्रक्रिया है उसको हम ब्रूडिंग कहते हैं। तो ये ब्रूडिंग की जो समस्या है वो यहाँ पर लगभग ख़त्म हो जाती है, चूँकि अंडा अपने आप स्वतः ही नीचे की ओर आता है और इकट्ठा हो जाता है, तो अंडे के सेने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर नहीं हो पाती मुर्गियों में, और अंडा ज़्यादा से ज़्यादा देती हैं मुर्गियाँ। दूसरी बात है कि जो इंटेंसिव सिस्टम है, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर ये पूरी तरीके से कंट्रोल्ड सिस्टम होता है, और हमें जो मुर्गी जो पालन है जो खासतौर से अंडे के लिए की जाती है, पूर्व की कक्षाओं में इस पर चर्चा भी की गई है, उसमें जो हमारा लाइट है या प्रकाश की व्यवस्था है वो 16 घंटे से अधिक प्रकाश या जो है नहीं दिया जाता। यदि हम 16 घंटे से अधिक का प्रकाश उसको दे रहे हैं या केवल हम उसको सूर्य के प्रकाश पर रख रहे हैं, 12 घंटे के प्रकाश पर रख रहे हैं, दोनों ही रूप में वो हमारे लिए फ़ायदा नहीं पहुंचाता है, मुर्गी पालक को लाभ नहीं हो पाता है। क्योंकि यदि वो 12 घंटे का प्रकाश सूर्य का प्रकाश पर ही केवल हम मुर्गी फार्म को रखते हैं या मुर्गी को रखते हैं अंडे देने वाली मुर्गी को, तो जो उसका उत्पादन है अंडे का वो नहीं हो पाता है, क्योंकि अंडे के उत्पादन के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड, एक मुर्गी में एक ग्रंथि होती है जिसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं, उसको उसका जो सूर्य के प्रकाश से वो एक्टिवेट होती है और वहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं, और जिस हार्मोन्स से जो हमारा अंडे का उत्पादन है वो बढ़ता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हम सूर्य का प्रकाश जो से अतिरिक्त प्रकाश हमें देने की आवश्यकता होती है, तो 16 घंटे का प्रकाश हमें यहाँ चाहिए होता है, तो यदि हम एक्सटेंसिव सिस्टम में रखते हैं तो ये हमारा संभव नहीं हो पाता है। इंटेंसिव सिस्टम में यह अच्छे से हम इसमें मैनेज कर सकते हैं। दूसरी बात, जो हमारा इंटेंसिव सिस्टम और उसमें भी खास तौर से जो हमारा केज सिस्टम है उसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक ही नज़र से हम यदि मुर्गी फार्म को देखें तो हमें दिख जाता है कि कौन सी मुर्गी बीमार है या कौन सी मुर्गी जो है वो दाना नहीं खा रही है। हम आसानी से मुर्गी को देख करके ये पता लगा सकते हैं कि कमज़ोर मुर्गी कौन सी है या जो कम खाना खा रही है वो मुर्गी कौन सी है। इस प्रकार की मुर्गियों को हम देख करके हम इसमें यहाँ पर तुलनात्मक रूप से अच्छे से हम देख सकते हैं, जबकि डीप लिटर सिस्टम में ये संभव नहीं है। तो यहाँ पर हम केज सिस्टम की बात यदि लाभ करें तो एक इसका लाभ एक और होता है जिसमें हम यह देख पाते हैं कि जो हमारा दाना जो खाने की ग्रोथ है, दाना खाने के बाद जो उसके विकास है वो हम आसानी से इसमें देख सकते हैं। और अंडे पालन के लिए यह आवश्यक है कि हम जो हमारी मुर्गी है उसको हम एक रूपता उसमें उसके जो फ्लॉक है उसमें एक रूपता बनी रहे, ताकि जो दाना खाने की स्पीड है वो सब में लगभग बराबर रहे। तो केज सिस्टम के लाभ हमने यहाँ पर देखे, कुछ इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं या जिसको हम कहते हैं कि जो हमारा नुकसान है वो यह होता है कि नंबर एक, ये जो है बहुत महंगा, इसमें इनिशियल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है, शुरुआती इसमें जो खर्चा होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ब्रॉयलर, जब हम बात करें जो हमारा डीप लिटर सिस्टम है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो गहरी बिछावन यदि हम लेते हैं तो वो सस्ती पड़ जाती है, लेकिन इसमें जो है हमारा इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है, परंतु यह एक बार का इन्वेस्टमेंट है, बार बार इसमें करने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि डीप लिटर सिस्टम में हमें बार बार जो लिटर है वो चेंज करना पड़ता है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि लिटर से संबंधित रोग यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कोक्सिडियोसिस इत्यादि है, यदि हम इसको ठीक से मैनेज कर रहे हैं तो कोक्सिडियोसिस पूर्णतः मैनेजमेंटल एक बीमारी है, प्रबंध से संबंधित एक बीमारी है, जो कि डीप लिटर सिस्टम के जो हमारा बिछावन है उसके गीले होने से होती है, वो यहाँ पर लगभग समाप्त हो जाती है। प्रिय शिक्षार्थियों, आज हमने चर्चा की, हमने ज्ञान प्राप्त किया कि किस प्रकार से कुक्कुट प्रणालियाँ होती हैं, कौन कौन सी कुक्कुट प्रणालियाँ होती हैं, कुक्कुट प्रणालियों के कौन कौन से लाभ हैं, और ख़ास तौर से जो हमारी सघन प्रणाली है, इंटेंसिव सिस्टम जिसको हम कहते हैं, उसमें भी केज जो हमारा सिस्टम है जिसको हम पिंजरा प्रणाली कहते हैं, उसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, उसमें पक्षियों को किस प्रकार से रखा जाता है, मुख्य रूप से जो अंडे देने वाली मुर्गियाँ हैं उसको यहाँ पर रखा जाता है, और उसके क्या क्या लाभ होते हैं और उसकी जो कुछ हानियाँ हो सकती हैं या उसका क्या क्या जो डिसएडवांटेज हो सकती हैं उस पर हमने चर्चा की। तो आशा है कि ये आज की कक्षा से आपको बहुत लाभ प्राप्त हुआ होगा, और इससे आप जो है भविष्य में ज़रूर लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।